हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्लिपकार्ट की शॉपिंग। ये मैंने दो तरह से आइटम डिवाइड किए हुए हैं। इसमें कुछ आइटम जो है 1 रुपी का है और कुछ बहुत ही मिनिमम प्राइस में है, तो वो मैंने एक साइड किया है, और जो अपने एक्चुअल प्राइस के हैं वो मैंने एक साइड किया हुआ है। तो मैं बिल के साथ आपको दिखाऊंगी, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा 1 रुपीज़ के मैंने आइटम खरीदे, तो वो मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने खरीदे हैं। मैं बिल के साथ आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये देखिए, बिल के अकॉर्डिंग हम अपने आइटम्स को चेक कर लेते हैं। मैं प्राइस भी दिखाते रहूँगी और टोटल अमाउंट भी दिखाऊंगी, इसका एमआरपी भी दिखाऊंगी। सबसे पहले हमारा चक्की फ्रेश आटा हमारा है 1 रुपीज़ का है। ये देखिए, इसका एमआरपी है 55 एंड टोटल अमाउंट है 1 रुपी का। तो ये मैंने 1 रुपी का ही लिया है। ये देखिए, चक्की फ्रेश आटा है, ये मेरा 1 रुपी का है, 1 kg का है। और दूसरा आइटम है हमारा, ये देखिए, सनफ्लावर सीड्स, ये मेरा है 41 रुपीज़ का है। तो ये मैंने 41 में ही लिया है। हम 1 रुपीज़ की चीज़ों की सिर्फ बात कर लेते हैं, बाकी तो एक्चुअल प्राइस में जो है वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो उसके बाद है हमारा धनपुरा शुगर। तो ये देखिए, ये शुगर है, ये भी मैंने 1 रुपी में लिया है। इसका आप MRP देखिए, 65 रुपीज़ का है, क्वान्टिटी 1 है, और ये टोटल अमाउंट 1 रुपी में लिया है। और दूसरा देख लेते हैं, कार्निवल्स के आलमंड्स है मेरे पास, क्लासिक आलमंड्स, ये 125 ग्राम्स का है, 100 ग्राम्स है, बट बाकी उसमें 125 का है। तो ये भी मैंने 1 रुपीज़ में लिया है, इसमें दिखा रखा है 125 इसका MRP है। ये टोटल अमाउंट 1 रुपीज़ में लिया है। ये देखिए, ये 125 ग्राम्स का है, तो ये मैंने लिया है 1 रुपीज़ में। और उसके बाद है, ये देखिए, फॉर्चून का बेसन है, 1/2 kg, 500 ग्राम जो लिखा है इसमें, ये 60 रुपीज़ का है। ये भी मैंने 9 रुपीज़ में लिया, ये 9 रुपीज़ में मैंने लिया। इसी तरह से मैंने पहले शॉपिंग की थी, तो मैंने जब ऑनियंस 40 रुपीज़ kg थी लोकल मार्केट में, कहीं भी ग्रॉसरी आइटम पर कहीं भी जाओ तो वो भी मैंने 8 रुपये पर kg 2 kg ऑनियंस में से मैंने मंगाई थी। इस तरह की शॉपिंग मैं फ्लिपकार्ट से करती रहती हूँ, तो मुझे अच्छे ऑफर्स मिलते रहते हैं। तो वो किस तरह से मिलते हैं, जैसे भी कि आप शॉपिंग फ्लिपकार्ट से, ये सब है, ये बाकी सब हमारा एक्चुअल प्राइस के हैं, ये जो भी एक्चुअल प्राइस है उनका, ये उसका है 1, 2, 3, 4। और एक और ये मेरा था सुपारी पाक जो था, एक और था मेरा, सेम था, वो मैंने ओपन कर लिया। तो क्या होता है, जब आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते रहते हैं, आप उनके कस्टमर बन जाते हैं, तो वो उनको आपको अपने आप ही अच्छा ऑफर देने लगते हैं। वैसे तो 500+ जो भी हो जाता है आपका अमाउंट जो होता है, शॉपिंग हो जाती है, तो आपको भी इसी तरह के ऑफ़र्स मिलते रहते हैं। तो आप भी ट्राई करते रहिए फ्लिपकार्ट से। ये देखिए, बिल के साथ है, मैंने आपको दिखा दिया, 1 रुपी का है फर्स्ट पर, चक्की फ्रेश आटा। और इसी तरह से मैंने पहले भी लिया हुआ है आटा, और मेरी 3 चीज़ें जो है फिक्स हैं, ये मुझे 3 हर बार ही मिलते हैं। आमंड्स 100 ग्राम 1 रुपये भी मिलता है, शुगर एंड आटा, ये तो मेरा फिक्स है। और 1-2 आइटम और भी ऐसा होता है कि अंडर 10 रुपीज़ में मेरे को मिल जाता है, तो बहुत अच्छा रहता है। आप भी ट्राई कर सकते हैं, प्लस 500 के कोई भी अमाउंट होगा आपका। ये देखिए, मेरा टोटल अमाउंट 754 का ही है। तो इसी तरह से मैं ज़्यादातर 500+ की शॉपिंग करती रहती हूँ, तो मुझे 3-4 आइटम अच्छे मिल जाते हैं। तो आप भी करते रहिए, और वीडियो कैसी लगी प्लीज़, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।